शेयर भी कर दीजिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने झाड़ू पोछा पहले नहीं किया है और पहले मैंने नहा लिया है। देख सकते हो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है क्योंकि किसी मतलब कोई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीडियो बनाओ आप साटन घाघरे में, लेकिन इस बार भी मैं गाँव गई थी तो साटन घाघरा नहीं लेके आई हूँ। और कौन सा ड्रेस लेके आई हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से ड्रेस लिए हैं इस बार। साटन का मतलब सूट मैंने एक लिया था, वो 1500 रुपये का था, लेकिन उसको मैंने वापस चेंज करके उसके बदले में दूसरे दो सूट ले लिए हैं, वो मुझे पसंद नहीं आया था तो मैंने सोचा चलो इस पुराने वाले लहंगे में ही वीडियो बना देती हूँ। मतलब कोई बोल रहे हैं कि खोला टांग के, वो मारवाड़ में जैसे मतलब गाय भैंसों का काम करते हैं ना लहंगे को टांग के, उसी तरीके से वीडियो बनाना है तो चलो कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लहंगा टांग के नहीं रखती हूँ, लेकिन चलो देखते हैं कैसा हो पाएगा, कोशिश करते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तो वीडियो आप देखते रहना। आगे मैं अपने ड्रेस भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी ड्रेस मैं लेके आई हूँ, वो आगे दिखाऊंगी सब कुछ आपको। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी मैं जो ड्रेस पहन रखा है वो साटन का है और ये ड्रेस मैंने 2300 रुपये में लिया था, 200 रुपये इसकी सिलाई दी थी मैंने। टोटल ये मेरे को मतलब 2500 रुपये का ये ड्रेस पड़ा था। जब मैं तिरुपति गई थी ना तब ये ड्रेस नया था, उसके बाद में मैं डेली यूज में लगा दिया है, रोजाना पहनती हूँ, घर पे ही मैं धोती हूँ, लेकिन ये देखिए अभी तक बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मैंने बहुत बार इसको धो लिया है घर पे और डेली पहनती हूँ, आपने भी लाइव में वीडियो में बहुत बार देखा होगा, फिर भी ये देखिए खराब नहीं हुआ है। और क्योंकि आज किसी सब्सक्राइब जो मेरे सिस्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप साटन के घाघरे में वीडियो बनाओ काम करते हुए, तो मैं पहले नहाने के लिए चली गई हूँ और यहाँ पे युवराज और युवराज के पापा बनाई है आज चाय, क्योंकि ज़्यादा तो हम चाय नहीं बनाते हैं, डेली तो नहीं पीते हैं, और आज ऐसे ही युवराज के पापा का चाय पीने का मूड था तो इन्होंने चाय बना ली है जब तक कि मैं नहा के आई, क्योंकि आज झाड़ू पोछा मैं अब करूँगी। हमेशा मैं पहले कर लेती हूँ लेकिन आज मैं नहाने के बाद ही करूँगी। तो चलो मैं खोला टांग के झाड़ू पोछा करती हूँ और आप वीडियो देखते रहना। खोला टांगने के बाद मैं कुछ मैं इस तरीके से लगती हूँ जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। चलो झाड़ू लेके आ रही हूँ। तो चलो मैं बैक कैमरा कर देती हूँ पहले, तो अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू और मैंने वीडियो को फास्ट भी नहीं किया था क्योंकि सिस्टर ने बोला था कि वीडियो फास्ट नहीं बनाना है दीदी, धीरे धीरे ही बनाना है, तो बस मैं ये वीडियो जैसे बना है वैसे ही रखा है, ना ही तो स्लो मोशन में करा है ना ही फास्ट किया है। और मैं गाँव से आने के बाद मैं ये वीडियो शूट पहली बार ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियो शूट ही नहीं किया था गांव से आने के बाद, मेरा मन ही नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों। और शॉर्ट वीडियो तो मैंने काफ़ी डाले हैं और शॉर्ट वीडियो डालने लगी हूँ तो मेरा ज़्यादा मन शॉर्ट वीडियो ही डालने का करता है, लेकिन सिस्टर मतलब कम से कम जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तब से ये राजस्थान कल्चर सिस्टर बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा चलो रिक्वेस्ट कर देते हैं। पहले मैंने सोचा था जब गाँव में जाऊँगी ना तब जरूर बनाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तो आपको पता है कि गांव अब की बार हम किस हालत में गए थे, मतलब नहीं बना पाई थी, पर कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो अब सिस्टर की रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं। और सिस्टर इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊंगी आपकी रिक्वेस्ट पूरी, यही वीडियो मेरे से ऐसा ही बन रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा खोले टांग के बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी मतलब ख़राब सा लग रहा है देखिए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं यहाँ पे मतलब कभी भी खोले वगैरह टांग के नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो मतलब हम गाय भैंसों का बाहर का काम करते हैं ना तब ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कपड़े ख़राब ना हो इसलिए हम टांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता ही है मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस यही तो काम होता है झाड़ू पोछे खाने बनाना और तो कुछ काम होता नहीं है, तो बस इसीलिए मैं नहीं टांग के रखती हूँ, तो कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो आपकी रिक्वेस्ट है तो पूरी कर देते हैं।
नहीं तो आप सोचोगे कि दीदी पूरी नहीं कर रही है, तो आज मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरी कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सिस्टर ज़रूर बताना आप मुझे कमेंट करके, क्योंकि ये वीडियो खास मैंने आपके लिए ही बनाई है। और साटन का ड्रेस तो मैं इस बार नहीं लेके आई थी, एक मैंने 1500 रुपये में पसंद किया था फ़ोन पे देख के, लेकिन जब उसको मैंने करीब से देखा था तो उसमें मतलब तारे की कटाई बहुत ज़्यादा थी, जो कि मुझे हैवी सा लग रहा था। तो मैंने उसको मतलब वापस दे के उसके बदले में 2 सूट ले लिए थे, वो साटन का ड्रेस मैंने नहीं रखा था, तो इसीलिए। और तो मैंने कोई भी साटन का मतलब ड्रेस लिया ही नहीं था। तो अब मेरा यहाँ पे झाड़ू भी कंप्लीट हो गया है, लगभग थोड़ा ही बचा है। ये मेरी मतलब किचन है जो हॉल के अंदर है, साइड में एक रूम है, ये हॉल के अंदर ही है किचन, जो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते ही टीवी देख लेती हूँ और आराम से मेरा खाना भी बन जाता है। और ये घर हमारे दुकान के बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हमने ये घर लिया है, वरना तो घर हम चेंज कर लेते, लेकिन दुकान के नज़दीक पड़ता है और युवराज के खेलने के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि ये इसका मन चाहे जब दुकान चला जाता है, मन चाहे तब घर में आ जाता है। जब हमारे सीजन वगैरह रहते हैं, हम दुकान में रहते हैं दोनों, तो युवराज घर में भी रहता है, टीवी देखता है, दुकान में भी आ जाता है, लेकिन दूर होता है, रोड क्रॉस करना होता है, तो युवराज आ नहीं सकता, जा नहीं सकता है अकेला। तो इसीलिए मैंने घर यही नज़दीक वाला लिया है, इसमें किचन सेपरेट से नहीं है, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, बच्चा खुश है तो हम भी खुश है। युवराज दूर घर में जाना ही नहीं चाहता है, अगर घर चेंज करने के बारे में सोचते हैं ना तो युवराज रोने लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा दूसरे घर में। तो फिर युवराज के पापा बोल रहे हैं कि हम 3 ही तो लोग हैं, यही घर अच्छा ही है, नज़दीक है, और जब युवराज बड़ा होगा तब सोचेंगे दूसरे घर में जाने के लिए। तो बस इसीलिए यही घर में हम रह रहे हैं, और वैसे सही कह रहे हैं, 3 लोगों के लिए तो ये घर काफ़ी अच्छा ही है। और इतने मेहमान तो आते हैं नहीं यहाँ पे, कौन आते हैं इतने दूर कर्नाटक में, आप सबको पता भी है। तो किचन हॉल में है तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू भी हो गया है कम्प्लीट, और झाड़ू निकालने के बाद आज मैं आप सबको ड्रेस दिखाऊंगी अपनी। अभी मुझे ड्रेस की सिलाई भी करनी है, मैंने एक ड्रेस भी नहीं सिला है आने के बाद में, मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों आलस आ रहा है आजकल, मैं ज़्यादातर आलसी हो गई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। वीडियो बनाने का भी मेरा इतना मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों हो गई हूँ इतनी आलसी। तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा देती हूँ और अपने ले आती हूँ अंदर से ड्रेस, और आप सबको ड्रेस दिखाऊंगी। पहले मैंने दूर कैमरा रख के यहाँ पे ऐसे ड्रेस दिखाई थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो धुंधली धुंधली सी आ रही थी, कलर भी क्लियर नहीं दिख रहा था। तो फिर इसके बाद में मैंने नज़दीक से आप सबको ड्रेस दिखाई है, वो आप देखना। तो अब की बार मैं जो जो सूट लेके आई हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ। तो ये तो ऐसे हैं, ये देखिए, पता नहीं क्यों फ़ोन में अच्छे से दिख नहीं रहा है। और इसके ऊपर ये ऐसी लुगड़ी है, ये देखिए, मैंने दूर से पहले दिखाए थे लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो डिलीट करके ये नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से है, तो ये आपने देख लिया। और ये पूरा सूती है, लेकिन इस पे ये देखिए तारों की छोटी छोटी है, इस तरीके से तार लगी हुई है, ये देखिए, ये पूरा सूती है, ये देखिए जोड़ वगैरह अलग नहीं है, एक जैसा कपड़ा है, मतलब जोड़ और लहंगा एक जैसा है। और इस पे है ये लुगड़ी, और एक ये है जो मैंने साटन का पहले लिया था ड्रेस, वही ड्रेस 1500 रुपये का वापस देके मैंने उसके बदले में 2 ड्रेस ले लिए हैं, ये देखिए। इस पे पूरे पे कढ़ाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, और ये पूरी इस तरीके से कढ़ाई है। तो मैंने यहाँ पे मतलब सिलने में आसानी होगी, ये राठौड़ी मगजी ले ली है, मगजी मैं इसकी लगाऊँगी। और इसके पे
ओढ़नी ये है, 450 रुपये की ओढ़नी है। ये देखिए डिजाइन मतलब सेम तरह से लग रही है, ये इस तरीके से ओढ़नी है। ज़्यादा तो मैं सूती ओढ़नी रखती हूँ, लेकिन किसी किसी ड्रेस पे ऐसे भी रखनी चाहिए, अच्छी लगती है। इसको ही हम साइड में रख देते हैं और एक बार इसको भी साइड में रख देते हैं। ये भी एक जैसा ही है, ये देखिए इस पर भी जोड़ वगैरह नहीं है, एकल कपड़ा है। ये देखिए इसमें वजन ज़्यादा है, देखिए हाथ से भी आपको भारी भारी लग रहा होगा। और इसके ऊपर ये लुगड़ी है, सूती है, क्योंकि लुगड़ी में ज़्यादातर सूती ही रखती हूँ। और सूती जोड़ क्या है कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और मैं कर्नाटक में रहती हूँ तो मुझे मतलब बार बार राजस्थान नहीं जा पाते हैं ड्रेस लेने के लिए, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही रखती हूँ। ये भी एक जैसा ही है, ये देखिए इस पर तारे है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और इसके ऊपर मैं ये लुगड़ी लेके आई हूँ। प्लेन भी ओढ़ सकते हैं, ऐसे भी ओढ़ सकते हैं, वो तो हमारा जैसा मन करेगा वैसे ओढ़ लेते हैं हम। ये जॉर्जेट में है, इसे जॉर्जेट में बोलते हैं ना कपड़ा, वो है। ये देखिए एकदम अच्छा है, हल्का हल्का अच्छा रहता है डेली यूज में। डेली यूज में ज़्यादातर ऐसे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो गांव में है वो तो नए लेके आ जाते हैं बार बार, लेकिन यहाँ पे जब जोड़ ख़राब हो जाते हैं तो बार बार राजस्थान नहीं जा पाते हैं लेने के लिए, तो मैं ज़्यादातर इस तरीके से मतलब एक जैसे ड्रेस रखती हूँ, जो कि घर में पहनने के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इस तरीके से देखिए बहुत ही मुलायम मुलायम है, और इसके ऊपर ये लुगड़ी है, देखिए इस तरीके से। ज़्यादातर घर में पहनने के लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये ले रहा है इस पर, ये देखिए इस तरीके से। और ये कुछ मैं ओढ़नी लेके आई थी एक्स्ट्रा, जो कि जब चुंदड़ी ख़राब वगैरह हो जाती है, सूट तो जल्दी एक जैसे होते हैं वो ख़राब नहीं होते, लेकिन उस पर सूती लुगड़ी रहती है तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये फलैन कुछ ऐसे ये मैं लेके आई थी। ये देखिए ज़्यादातर एक जैसा ही है। ये देखिए इस पर थोड़ी सी चमक जैसे दिख रही होगी आपको, देखिए। ये भी 100 रुपये मीटर का है, ये मैं 150 रुपये में लेके आई थी, 150 रुपये मीटर का। वो पहले भी आपको दिखाए थे, उसमें से कुछ 100 रुपये मीटर के, कुछ 150 के हैं। और ये जोड़ है, ये लहंगा है इस पर, ये जोड़ है इस तरीके से। इस तरीके से ये भी जोड़ है इसके ऊपर, और ये भी जोड़ है। जोड़ भी अच्छे लगते हैं, ऐसे सूटों पे भी हम जोड़ पहन सकते हैं, कोई भी अगर मैच हो रहा हो तो अच्छा दिखता है जोड़ भी, लेकिन जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो मैं ज़्यादातर एक जैसे रखती हूँ। यह सब जोड़ है जो कि मैं जोड़ लेके आई हूँ, क्योंकि राजपूतों में हम ज़्यादातर जोड़ भी पहनते हैं इस तरीके से, ये सूती में आते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से, ये इसकी लुगड़ी है, यह भी जोड़ है। ये देखिए क्योंकि लहंगे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जोड़ ये इस तरीके से सूती होते हैं ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस बार मैं एक्स्ट्रा जोड़ भी लेके आई हूँ। ये देखिए और ज़्यादातर सूती में ड्रेस नहीं ली हूँ इस बार। ये देखिए इस तरीके से ये जोड़ है, और ये ड्रेस जब हमारे मतलब ससुर जी गए थे वहाँ, तब पापा वगैरह आए थे ना वहाँ पे, तब ये लेके आए थे। इस पर लाल कलर की ओढ़नी है, और ये सूट सब मतलब सबके लिए ऐसे ड्रेस लेके आए थे तब, मतलब 15 सूट लेके आए थे पापा हमारे ननंद के लिए, देरानी जेठानी के लिए और हमारे के लिए, सबके लिए एक जैसे ही ड्रेस थे वो, तो वो इस तरीके से थे। तो आपको ये ड्रेस कैसे लगे? तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय गाइस, शेयर भी कर दीजिएगा।